पहले तो मैं माननीय पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तेलंगाना राज्य बनने के समय में 69 में जो एजिटेशन हुआ था, तब से लेके तेलंगाना राज्य बनने का मुद्दा सफल होने तक जिस प्रकार का समर्थन दिया, सपोर्ट किया, हम पूरे ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तेलंगाना जनता के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ। वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, वो तो हमारे बुज़ुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है, हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो इसके वजह भी इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नए आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। वो बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का काफ़ी, वो पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे, उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारे सहमति हो गई है, जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द, हमारा कई लोगों का जो भी हमारे साथ वेवलेंथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलकर चलना चाहते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के काम को शुरू करेंगे। इतना आज तय हुआ है जो कि हमको सभी लोगों से बातचीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है, उसके बाद ही विस्तार रूप में हम देश के जनता के सामने एक एजेंडा पेश करेंगे। हमारा टाइम टेबल, हमारा कार्याचरण जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद। पहले तो